गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन इलेक्ट्रिकल गुरु। इंडियन इलेक्ट्रिकल गुरु में आपका स्वागत है। हम पहले पढ़ चुके हैं बाइनरी टू डेसिमल के बारे में, कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़े थे। अब इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या क्या पढ़ेंगे उसको पूरा डिटेल से आपको बताते हैं। इस पर बहुत सारा मोटर आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में पढ़ना है, उसके बारे में पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो चलिए आपको चालू करते हैं। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किसे कहते हैं आप लोग को मालूम होगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किसे कहते हैं, इसकी जो पावर होती है थोड़ा कम होती है थ्री फेज के अलावा। आपका मोटर दो प्रकार के पढ़ना है, एक होता है सिंगल फेज मोटर और एक होता है थ्री फेज मोटर। जो आपका तीन फेज में चलती है उसे थ्री फेज मोटर कहते हैं, और जो सिंगल फेज में चलती है उसे हम सिंगल फेज मोटर कहते हैं। तो मेरा जो मेन टॉपिक है वो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में पढ़ने से पहले मैं टाइप पढ़ूंगी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कौन कौन सा मोटर हमें पढ़ना है। तो चलिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो मेन टॉपिक क्या है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसके अंतर्गत आपका कौन कौन सा मोटर पढ़ना है उसका मैं डिटेल से आपको लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझिए, फिर मैं एक एक करके मैं बताता हूँ। तो पहला जो है आपका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तो क्या है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, पहला स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, दूसरा है कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर इंडक्शन इंडक्शन मोटर। इसके अंतर्गत आपको तीन प्रकार का मोटर पढ़ना है। कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में आपको तीन प्रकार का पढ़ना है। फर्स्ट में है आपका कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। बी में है आपका परमानेंट, परमानेंट परमानेंट कैपेसिटर, परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। सी में है आपका, तो मैं वीडियो को स्किप करके मैं पूरा आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में लिख दिया हूँ। तो चलिए इसको समझते हैं एक बार। आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या है आपका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर सबसे पहले पढ़ेंगे उसे कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में आपका चार प्रकार की आती है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, और थर्ड आपका आता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर इंडक्शन मोटर। तो ये जो है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर एक हुआ। यहाँ पे आपका कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में आपको तीन प्रकार के पढ़ना है, जो आपका कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन रन मोटर, और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। ये तीनों आपको पढ़ना है कैपेसिटर के अंदर में, ये कैपेसिटर के अंतर्गत आपका तीन मोटर पढ़ना है। उसके बाद में आपका शेडेड पोल इंडक्शन, शेडेड पोल मोटर, इसमें क्या होती है शेडेड पोल मोटर एक पढ़ना है आपका। उसके बाद यूनिवर्सल मोटर, उसके बाद रिपल्सन मोटर, उसके बाद सामान्य रिपल्सन मोटर, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर, रिपल्सन इंडक्शन मोटर, रिपल्सन सामान्य रिपल्सन मोटर, सामान्य रिपल्सन यानी रिपल्सन मोटर के अंतर्गत आपको तीन को पढ़ना है, तीन मोटर, सामान्य रिपल्सन मोटर, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर और रिपल्सन इंडक्शन मोटर, आपको तीन पढ़ना है। आपका छठा आ जाएगा एकल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्टेपर मोटर,
एकल फेज तुल्यकालिक मोटर जिसमें आपका हिस्टेरेस मोटर और एक आपका है रिलक्टेंस मोटर। तो ये आपका 8 टैप का है, 8 टैप आपको पढ़ना है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये सब आपका रहा शेड्यूल जो हमें पढ़ना है। तो ये जो हम लोग पढ़ेंगे अभी चालू करेंगे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, इस वीडियो को आप देखें, आपका जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो ITI से संबंधित होगा, ITI में जो सिलेबस है उसी से रिलेटेड होगा, वो भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए। यहाँ पे जो जो भी क्लास होगा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए है और बाकी किसी के लिए नहीं है। तो ITI जो सिलेबस आपको पढ़ना है, जो जो मोटर आपको पढ़ना है वही आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।